गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित फ्रॉम अप्लाइज आई आई टी डिपार्टमेंट वर्किंग इन आरपीआईटी कॉलेज कैंपस का। आज हम डिस्कस करेंगे, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था लिफ्ट स्क्वायर प्रिंसिपल, है ना। और उसके अंदर हमने टू फिट द पैराबोलिक इक्वेशन के लिए हमने देख लेता है, स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन के हमने देख लिया था। आज हम इसका एग्जाम्पल करेंगे। फर्स्ट, फिट अ स्ट्रेट लाइन बाय द मेथड ऑफ लिफ्ट स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग डाटा। एज हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ डेज ऑफ एब्सेंस मेरे पास गिवन है। तो नंबर एज है 21, 42, 38, 64, 53, 61, 47। एस्टिमेट द प्रोबेबल नंबर ऑफ डेज ऑफ एब्सेंस ऑफ अ पर्सन एज्ड 40 ईयर। तो इसका हमने सॉल्यूशन देखते हैं। लेट एक्स डिनोट एज इन ईयर एंड वाई डिनोट द नंबर ऑफ डेज ऑफ एब्सेंस। इफ़ यदि मेरे पास y इक्वल टू ए नोट प्लस a1 x है, इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, देन वी हैव द नॉर्मल इक्वेशंस समीशन वाई दिस इज इक्वल टू n a नोट प्लस a1 समीशन x। सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन समीशन एक्स वाई एंड इज इक्वल टू a नोट समीशन x प्लस a नोट समीशन x प्लस a1 summation of x square to evaluate a naught and a1, we now construct the following data. Calculation for fitting straight line के लिए हम calculation का निकाल लेंगे। x की value मेरे पास given है, y की value मेरे पास given है। अब क्या क्या हमें चाहिए? सबसे पहले हमें देखो summation y चाहिए। हमने summation कर लो y का, कितना आया 36। मतलब इसका क्या मतलब है, जो हैंडशेक का सम का कर लो, कितना आया 136। आगे हमने क्या चाहिए, एन ए नोट का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, प्लस a1 समीशन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ एक्स कर लो, है ना, जितने भी है मेरे पास समीशन ऑफ एक्स कर लो। उसके बाद हमने चाहिए क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई के मल्टीप्लाई करके साथ में उसका हमने समीशन कर दिया। उसके बाद हमने क्या चाहिए इसके अंदर, एक्स समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का समीशन यहाँ करके स्केयर करके हमने उसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का। तो कितना आया, 16484। तो हेयर एन इज इक्वल टू एन, द नॉर्मल इक्वेशन मेरे पास थी 136 इज इक्वल टू 7 ए नोट प्लस 326 a1। ये मेरे पास फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है, ये नीचे मेरे पास सेकेंड शेप है। सॉल्विंग करेंगे वी गेट ए नोट दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7.41 एंड 81 दिस इज इक्वल टू 0.7a1। तो वाई की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ गई दिस, और यहाँ पर जब मेरे पास वह एक्स मेरे पास 40 था, तो एक्स मेरे पास क्या है, मेरे पास 40। देखो हमें क्या करना, वाई की वैल्यू निकालनी है उसको, तो हमने एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो वाई की वैल्यू आई जो मेरे पास आई है, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। एक्स की वैल्यू मेरे पास, अगर मेरे पास 40 है, तो अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 की, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास जाएगी 114 अप्रोक्सीमेट। तो दिस इज द बेस्ट फिट ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए हमने क्या था, मेरे पास ये था एग्जाम्पल था, फिट करना था हमने स्ट्रेट लाइन बाय द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर ऑफ द प्रूविंग डाटा। एज मेरे पास ये थी, नंबर ऑफ डेज हमने पास एब्सेंस में मेरे पास गिवन थे, है ना। उसके बाद हमने क्या करना था, इसका फिट करना था स्ट्रेट लाइन के अंदर। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने पता है, यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स, या हम ए प्लस बी एक्स भी ले सकते हैं। हमने हमने यहाँ डिटरमाइन करना ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू हमारे पास कितने कॉन्स्टेंट है, दोनों कॉन्स्टेंट है, तो मेरे पास नॉलेज क्वेश्चन करते हैं, दोनों को सोल्व करने के बाद मेरे पास। थैंक यू।